तो दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे भारत पाकिस्तान के मैच से, और एक बहुत ही शानदार मैच देखने के लिए मिला और फाइनली भारत ने उसमें जीत दर्ज की। सभी भारतीयों को इसके लिए बहुत सारी बधाइयां। ये दिवाली का गिफ्ट था हमारी टीम इंडिया की तरफ से हम सभी लोगों को। अभी चूंकि हम लोग दिल्ली में नहीं रहते तो इसका सेलिब्रेशन अच्छे से कर सकते थे और हमने पटाखे वगैरह भी छोड़े। खैर चलिए बात की जाए आज के मुद्दे की, तो आज का मुद्दा है यूके को लेकर। दरअसल बताया जा रहा है कि ऋषि सुनक, जो कि यूके के अंदर प्राइम मिनिस्टर पद की दौड़ में सबसे आगे हैं, उन्होंने ऑफिशियली अपनी उम्मीदवारी दर्ज करा दी है। यानी वो जिस पार्टी के लीडर हैं, यानी कंजर्वेटिव पार्टी, जो कि इस समय वहां पर बहुमत में है, और उसी पार्टी से कोई ना कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने वाला है, जो कि लिज़ ट्रस के इस्तीफे दे देने के बाद पद को भरेगा, उसके लिए ऑफिशियल उम्मीदवारी ऋषि सुनक ने घोषित कर दी है। अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस पार्टी के कुल 100 सांसद ऋषि सुनक के पक्ष में हैं। मैंने कुछ ही समय पहले आपको वीडियो बनाकर बताया था, जिस समय लिज़ ट्रस का विरोध किया जा रहा था उनकी पार्टी के अंदर ही, तो उसमें कुल 100 सांसदों की संख्या निकलकर सामने आई थी और 100 सांसदों ने एफर्ट लगाई, तब जाकर लिज़ ट्रस को अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। तो बताया जा रहा है कि ये जो 100 सांसद हैं, ये सभी के सभी ऋषि सुनक के कैंप के हैं और ये सारे के सारे उन्हीं को समर्थन दे रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री पद की रेस में पिछली बार की तरह इस बार भी सबसे आगे हैं, बशर्ते किसी तरह की कोई इंटरनल पॉलिटिक्स उनके खिलाफ ना हो, जिस तरह की हम लोग देख रहे हैं काफी समय से। लिज़ ट्रस के समय से ही भारतीयों के नाम पर ऋषि सुनक साहब के साथ किस तरह से पॉलिटिक्स की जा रही है, ये हम सभी को देखने के लिए मिला। वो भारतीय मूल के हैं, अश्वेत हैं, इस वजह से वो पिछली बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। अगर प्रधानमंत्री चुनने के लिए केवल और केवल योग्यता देखी जाती तो उसमें 100% फिट होते थे ऋषि सुनक। उन्होंने जो जो भी बातें कही अपनी आर्थिक नीतियों को लेकर, वो सारी की सारी बातें किस तरह से सही हुई, ये उनकी योग्यता को दर्शाती है। इस बार भी जब उन्होंने अपनी उम्मीदवारी को दर्ज करवाई ऑफिशियली, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर यही दिया कि वो यूके की अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। यूके की अर्थव्यवस्था, जो कि पाकिस्तान जैसी होती जा रही है, तो उसको बचाने के लिए उनकी तरफ से एक प्रयास किया जाएगा अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता है, बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या इस बार उनके बीच में कोई नहीं है? क्या उनके लिए पूरा रास्ता साफ है? चलिए आज इसी के ऊपर बात करते हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूके के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी एक बहुत ही अच्छी वापसी की है और बताया जा रहा था कि उनका नंबर भी लग सकता है। लेकिन चूंकि उनको लेकर इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज ऑलरेडी यूके के अंदर हो चुकी है, जो यूके के आम लोग हैं वो उनसे खासे नाराज हैं। यानी उनकी विदेश नीति इतनी बुरी नहीं रही, काफ़ी हद तक अच्छी थी। उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी ठीक ठाक लाने की कोशिश की, उसी का नतीजा था कि वो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, भारत के साथ कई सारी डिफेंस डील्स करना चाहते थे। तो कहने का मतलब ओवरऑल एज अ प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इतने बुरे नहीं थे। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान भारत और यूके के रिलेशनशिप ऐतिहासिक स्तर तक गए। तो कहने का मतलब वो भी एक बहुत बड़ा नाम और चर्चित नाम, जाना पहचाना नाम है। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स को लगता है कि उन्हें यहाँ पर प्रधानमंत्री दोबारा से नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं उनकी कंजर्वेटिव पार्टी की दोहरी नीति को उजागर करने जैसी बात हो गई। यानी पहले हटाया गया, फिर दोबारा उन्हीं को लाया गया। और सबसे बड़ी बात कि जो यूके के आम लोग इनसे नाराज़ हैं, वो लोग अगले इलेक्शन में ऐसा करने पर इनसे नाराज़ हो सकते हैं, और जो इस समय सत्ता कंजर्वेटिव पार्टी के हाथ में आई है वो अगली बार शायद ना रहे, क्योंकि यूके के आम लोग लॉकडाउन की वजह से काफ़ी परेशान थे। जब कोविड पेंडेमिक के दौरान आम लोगों के ऊपर खासी सख्ती वापरी गई, इन सबसे वो खासे नाराज़ थे। लेकिन उसी दौरान कई सारे खुलासे हुए कि जो बोरिस जॉनसन थे, इतने क्रिटिकल समय में भी पार्टीज वगैरह कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और कोविड के जो प्रोटोकॉल्स वगैरह थे वो केवल आम लोगों के लिए थे, उनके ऊपर थोप दिए गए, जबकि जो अथॉरिटीज़ थी वो इसे मान ही नहीं रही थी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर खासे लोग परेशान थे और उनसे नाराज़ भी थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो बोरिस जॉनसन के कैंप के पुराने सांसद हैं, वो भी खुद कहने के लिए मजबूर हैं इस समय कि अगला प्रधानमंत्री योग्यता के अनुसार ऋषि सुनक ने ही बनना चाहिए। जी हाँ, हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी उम्मीदवारी को ऑफिशियली घोषित नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि वो भी इस रेस के बड़े चेहरे हो सकते हैं। इसी के साथ साथ जो तीसरे कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं वो है पोनी मोर्टड। तो इन तीनों के बीच में बताया जा रहा है कि ये रेस होने वाली है और ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं ऋषि सुनक के। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या उन्हें इस बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी यूके के अंदर दी जाती है, या फिर लास्ट टाइम की तरह भी सबसे आगे आगे चलने के बावजूद उनके साथ भेदभाव करते हुए लिज़ ट्रस को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन यहाँ पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, आपके हिसाब से यूके का अगला प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? खासकर अगर बात की जाए बोरिस जॉनसन, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके और ऋषि सुनक के बीच में आप किसे देखना चाहते हैं यूके का अगला प्रधानमंत्री? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।